नमस्कार, स्वागत है आपका एलएम स्किल्स एकेडमी में। मैं हूं एमडी मुन्ना। ऐसा हो सकता है कई बार कि आपने अपना कंप्यूटर स्टार्ट किया और आपके कंप्यूटर का कीबोर्ड काम नहीं कर रहा, या हो सकता है कि कुछ कीज नहीं काम कर रहे हैं। तो जब आप लॉगिन करेंगे तो उस वक्त आप पासवर्ड एंटर नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं? अगर आपके पास एक्स्ट्रा कीबोर्ड नहीं है तो कंप्यूटर के अंदर ही एक कीबोर्ड होता है जिसको हम ऑन स्क्रीन कीबोर्ड कहते हैं। तो उसे हम यहाँ से कैसे एक्सेस करेंगे वो देखते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे देखिए, जहाँ पे शटडाउन होता है उसके पहले एक बटन दिया हुआ है इस तरह से। इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक मेन्यू आएगा, और यहाँ पर आप ध्यान दें तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड लिखा हुआ है। आपको इसे क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो है कीबोर्ड आ जाएगा आपके स्क्रीन पर। उसके बाद आपको जो है जहाँ पे पासवर्ड एंटर करना है वहाँ पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद इस कीबोर्ड को आपको यूज़ करना है। तो यूज़ कैसे करेंगे? अगर आपका पासवर्ड जो है स्मॉल लेटर्स में है तो आप डायरेक्ट स्मॉल लेटर्स इस तरह से क्लिक करके टाइप कर सकते हैं, और अगर आपको कैपिटल यूज़ करना है तो आप शिफ्ट दबा सकते हैं। तो ये सारे लेटर्स जो है यहाँ पर कैपिटल हो जाएंगे, और आप ध्यान दें कि नंबर्स में भी जो ऊपर की कीज़ होती हैं वो भी एक्टिवेट हो जाएंगी। तो जो भी शिफ्ट से यूज़ करने वाली कीज़ होंगी वो इस तरह से एक्टिवेट हो जाएंगी, और अगर आपको शिफ्ट यूज़ नहीं करना है तो वापस इस शिफ्ट को क्लिक कर दीजिए, ये नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरह से जो है कभी इमरजेंसी ऐसी पड़ जाए कि कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है तो आप ऑन स्क्रीन कीबोर्ड यूज़ करके अपने कंप्यूटर पे लॉगिन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आपके कमेंट्स के थ्रू बताइएगा, और ये वीडियो दूसरों से भी शेयर कीजिए। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।